नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली ओरासिटी न्यूज और मैं आपके साथ श्रेया गुप्ता। आज की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि ऑपरेशन संजीवनी के तहत जो एक स्टेप जो है वो जेके पुलिस ने लिया था कि अब जो है ड्रग पेडलर्स की जो है शामत नहीं है, अब ड्रग पेडलर एक एक करके जो है अंदर जाएंगे और जम्मू कश्मीर को जो है ड्रग से बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। आपको बता दें आज सुबह की ही एक खबर है जहां पर एक ड्रग पेडलर से 821 ग्राम गांजा जो है वो वसूल हुआ है। ये व्यक्ति जो है वो त्रिकुटा नगर से गिरफ्तार हुआ। आपको बता दें ये यूपी का रहने वाला है जिसका नाम जो है मोहम्मद जुबरेल बताया जा रहा है। आपको बता दें कि सुबह इन्वेस्टिगेशन के साथ ही जो है इनसे 821 ग्राम जो है गांजा जो है वो बरामद हुआ है, जिसके तहत जो है अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अब जो है इन पर कार्रवाई जो है वो SHO द्वारा जो है पुलिस स्टेशन में जो है वो चल रही है। लेकिन आपको बता दें कि ये यूपी के रहने वाले व्यक्ति जो है सेक्टर 1 त्रिकुटा नगर में रहते थे और वहीं से जो है ड्रग्स बेचने का जो है वो काम करते थे। ऑपरेशन संजीवनी के तहत जो है इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है और आने वाले समय में जो है ऐसे जितने भी ड्रग पेडलर्स हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और ड्रग्स सिर्फ बेचने वाले ही नहीं खरीदने वालों के लिए भी यही अरेस्ट जो है वो किया जाएगा। आपको बता दें SSP द्वारा जो है एक गाइडलाइन जारी की गई थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अब जो है ड्रग्स बेचने वाले खरीदने वाले दोनों को गिरफ्तार किया जाएगा और जो ड्रग्स बेचकर आप प्रॉपर्टी बनाते हैं उन प्रॉपर्टी को भी जो है वो जब्त कर लिया जाएगा। मैं आपसे एक अपने व्यूअर्स से जो है एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि इस तरीके के काफ़ी लोग हैं जो बाहर से आके जम्मू कश्मीर में जो है वो ड्रग्स जो है वो फैला रहे हैं। आज से कुछ समय पहले अगर आप जम्मू कश्मीर की तरफ देखते थे तो जम्मू कश्मीर जो है वो काफ़ी सेफ, अच्छा और एक हेवन हम जिसे कहते हैं, एक स्वर्ग जो है वो माना जाता था। लेकिन आज के समय में जो है यहाँ पर नशा तस्कर, नशा करने वाले और नशा बेचने वाले जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे युवा जो है वो स्पोर्ट्स को छोड़कर, पढ़ाई को छोड़कर, अपने घर वालों को छोड़कर इन नशे की लत पर जो है वो लग गया है। अपने व्यूअर्स से मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि लेकिन अगर आपके भी घर में या फिर आपके भी आस पड़ोस में जो है कहीं ऐसी एक्टिविटीज़ आपको देखते हुए मिले जो कि यूजुअल नहीं है, अगर आपको अपने घर में भी आपका बच्चा जो है कहीं खफा खफा दिखने लगे या फिर ज़्यादा पैसों की डिमांड करने लगे या फिर आपके घर से चोरियां चकारियां जो है वो शुरू होने लगे, तो कृपा करके बच्चों को जो है इन चीज़ों से दूर रखें। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जो नशा तस्कर है इनकी एक ही मुहिम रहती है कि कैसे ना कैसे कर एक किसी को फंसाया जाए और उसे नशे की लत में जो है वो डाला जाए। और इन नशा तस्करों का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि वो नशा जो है वो मुफ्त में करवाते हैं, मुफ्त में वो इस हद तक करवाते हैं जब तक जो है अगले बच्चे को जो है उसकी लत ना लग जाए, और लत लगने के बाद जो है उस नशा तस्कर से वो नशा खरीदने पर जो है वो मजबूर हो जाता है। तो मैं पेरेंट्स से ये अपील करूंगी कि अगर आपके आसपास या फिर आपके घर में जो है कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ होती हुई आपको नज़र आ रही हैं तो प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए। और मैं लोगों से भी यही चीज़ कहना चाहती हूँ, अपने व्यूअर से भी यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके आसपास कोई नशा करता या खरीदता हुआ या फिर बेचता हुआ नज़र आता है तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में जो है वो ज़रूर कीजिए। अभी के लिए इतना ही, बने रहे आप डेली वरासरी न्यूज़ के साथ।